क्या ठीक है भुलिया, कान खोल के सुन ले, ये दोनों हमारी दुकान में काम नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? तुम तो रोज सवेरे सवेरे शिशुपाल के शराब के दुकान में काम करे चले जाते हो, तो तुम्हारे जाए के बाद दुकान में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसे तुम्हारा का लेना देना है? जो हो देख, तेरी बीवी तेरे को ताना दे रही है और तेरे काम की इज्जत भी नहीं कर रही है। क्या दिन आ गए। और ये इसलिए कर रही है कि ताकि तुम ये काम छोड़ सको। ए हितेश भाऊ, जनार्दन भाऊ, जोखू को भड़काओ मत। अरे कैसे दोस्तों, जो अपने दोस्त को अपनी बीवी के खिलाफ भड़का रहे हो? देख रहा जोखू, तेरी बीवी हमारी दोस्ती का मजाक बना रही है। ए फुलिया, घर के भीतर जा। हमरे दोस्तन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अरे तुम और तुम्हारे दोस्तन की ना ऐसी की तैसी, एक दिन अगर तुम्हारे यह दोस्त तुमका बर्बाद न कर दे तो हमारा नाम बदल देना। अपने तो न बीवी है और न परिवार, दूसरे घर में आग लगाए आ गए। चलो ऊपर चलो, तुम चलो। बहुत बकबक करती है, आज अब तो का सबक सिखा के मानेंगे। चुप जा, कौनो आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमरे और हमरे घर वाली के बीच कौनो नहीं आएगा। आज हम एक सबक सिखाए के मानेंगे। आप मार नहीं सकते पुलिया का पिको। रोको, हम तुम्हारे साथ हैं। आप बीच में कोई देखने? बिल्कुल सही कहा हितेश, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा सुन सुन, जितना वो पी सकते थे सबको भरपेट पिला दिया ना? हाँ बाबा, इतनी शराब पिलाई है कि एक बूंद की भी जगह पेट में नहीं बचोगे उनके। बाबा अब वो तांडव करेंगे चाल में और रोज करेंगे। ये पढ़ाई विकास इस सब का माहौल बनाना था ना भीमराव को, अब देखो विनाश की कहानी रोज लिखी जाएगी वहां। सुंदर, अति सुंदर। हाँ सब जने साथ हो ना, हाँ ये ना दिखाना चाहते हो तुम? अरे अब खुद तक रोज कितने पास आते हैं, रोज के बारे में चाहे ना क्या के बारे में मार के मैं खत्म कर दूँ सबकी। और वो लोग बोले हैं ना कि खाएं भरे का अनाज मिलेगा, क्या जरूरत है दुकान की? दुकान ना तुम्हारे अकेले की नहीं है कि तुम कहो हम बंद कर दे। ये दुकान हम अपने खून पसीना मेहनत से बनाए हैं, इसलिए हमरे जीते जी ये दुकान बंद नहीं होई। सुन लो कान खोल के भुलिया। अरे चलो जल्दी जल्दी, यहाँ खड़े क्यों, काम पर चलो। हाँ मालिक, चलते हैं अभी। और जीजा भाई जी, आपके काम में कोई कमी नहीं हो रही है? हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे काम से खुश होकर हमने ये तय किया है कि तुम्हें रोज के रोज तनख्वाह दे। ये रहे तुम्हारे दो दिन के पैसे। शिशुपाल जी, ऐसे किसी की मेहनत की कमाई फेंक कर मत दिया कीजिए। अरे तुम बिन पैंदी का लोटा हो क्या? कभी जीजाबाई के इस काम करने पर तुम्हें आपत्ति होती है,
कभी ऐसे पैसे फेंक के देने पर समझाने लगते हो। इसे बिन पेंदी का लोटा होना नहीं, व्यक्तित्व में लचीला होना कहते हैं। ये आपके यहाँ काम करती है जो मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन ये अलग बात है। और आपने जो इनके तनख्वाह के पैसे अभी फेंके हैं, ये अलग बात है। इस तरह से इनके मेहनत के पैसे फेंक कर आप इनकी मेहनत का अपमान कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपमानित होना अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मान और अपमान से। मैं पैसे कमा रही हूँ, मेरे लिए वही जरूरी है। हाँ तो लीजिए, उठाइए ये पैसे। ये मिर्ची क्या सुखा रही है? ये ले मिठाई खा। मेरे मेहनत के पहले कमाई की मिठाई है, खा ले। ये ले ले मिठाई खा और ऊपर भी खिला, और कह दे तेरे नैयाई को जीजाबाई अब कमाने लगी है। अरे ले, मैंने मेहनत की है, खा जा। लीजिए लीजिए, मेरी पहली कमाई की मिठाई है, लीजिए। आपका बेटा ही तो कहता है दूसरे के मेहनत की कदर करनी चाहिए। ये मेरी मेहनत है, लीजिए। ले लीजिए बाबा। युवराव, युवराव। अरे प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत दिनों के बाद आ गया। और देखो देखो क्या अच्छा मौका है, आज मेरी पहली कमाई हुई है। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। भीमराव, क्या हुआ काका? वो नंदू दारू की दुकान से भाग गया। क्या? हाँ। क्यों? वो मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए कहते हुए गया, और उसके पीछे शिशुपाल के लठैत भी गए। चल बेटा, नंदू को बचाते हैं। हाँ रमा, तुम यही रुको, हम आते हैं। गुरुजी आप भी चलिए। मतलब दो तरफा रिश्ता बन रहा है। चीचा भाई, शोभा रुक जाओ, ये थाली दो मुझे। जीजा भाई, जितनी मीठी ये तेरी मिठाई है ना, उससे भी ज्यादा मीठी ये दीपक की जूठी रोटी है। तेरी इस मिठाई में तेरा घमंड है, तेरी ईर्ष्या है, मुझे दिखाने की चिढ़ है, लेकिन इस रोटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तेरी कड़वी मिठाई की जगह पर ये रोटी खाना पसंद करूंगी। दीदी मैं ये भूलूंगी नहीं, और इसका बदला जरूर लूंगी। जीजा भाई, मेरे जीते जी आई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी आप, वो भी देख लेते। रमा बेटा इधर आ।
क्या हुआ बेटा, कुछ काम था? नहीं बुआ, मैं तो बस देखने आए थे कि हमारी बुआ कैसी है, मगर ये देखकर अच्छा लगा, शोभा काकी क्या ही बहुत खुश है। रमा यहाँ आना, भीम और राम जी अभी तक नहीं लौटे हैं? नहीं अम्मा, अभी तक नहीं है। नंदू भी लौट के नहीं आया? वो भी नहीं है। अरे डली अम्मा काहे चिंता करत हो तुम, भीम गया है ना तो कुछ न कुछ अच्छे करके लौटेगा। अरे धतूरा चटा दिया है उस भीम ने तुम सबको, वो चाहे जितना भी खराब करे लेकिन होता हमेशा अच्छा ही है। अरे जीजा भाई कुछ तो नया बोलो, क्या एक ही बात बार बार बोलती रहती हो? क्या नया बोलू और क्यों ना करूं मैं पुरानी बातें, मैं तो करूंगी और तब तक करूंगी जब तक ये भीम सुधर नहीं जाता। और आप सबको समझ में नहीं आ जाता कि भीम का रास्ता अंत में तबाही तक ही पहुंचता है। तो हो जाए दोनों हम लोग को तबाह, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम खुद को बचाओ बस। नहीं खुद को बचा रही हो ना शिशुपाल के दारू का रखवाली करके, तो वह करो वह काम है तुम्हारा, भाई फालतू में समय बर्बाद कर रही हमरे संगे। बाबा इस तरफ जाकर देखते हैं, आइए। हेलो, कैसा है मेरे भाई, कुछ तो बोल, बोल ना मेरे भाई, मालो बोल ना कुछ मेरे भाई। तुमको ऊंची जात की तरह ठाट से रहना है ना, तो फिर निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ पे लौट करके मत आना, वहीं जा वहीं रह कमा खा। वहां तक तो सफेद दर्द दिखाई दे रही थी लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है, कहां गए होंगे? शिशुपाल जी तेरा कोई भाई नहीं है? मुझे लगता है गुरुजी शायद कोई भाई नहीं है मेरा, कोई भाई नहीं है। मालू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं भाई हूँ तुम्हारा मालू। मैंने कहा ना मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है मेरा। ऐसी बातें मत करो मालू, नंदू काका तुम्हारे भाई है और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। झूठ झूठ है सब, वो सिर्फ मुझे सुनाते हैं, अपना हुकुम चलाते हैं मुझ पे, बस कोई भाई नहीं है मेरा। बस हो गया अभी मालू। मालू बाबा ये मालू की आवाज है, आइए इस तरफ आइए। अरे ठीक है मत मान इसे भाई, बस जैसे बाकियों को तू यहाँ रखता है, काम धंधा सिखाता है, वैसे इसे भी सिखा। और देख क्या रहा है खड़े खड़े, जा इसे ये दवा पिला जिसे पीकर तू शांत हो जाता है, ये भी इस दवा को पीकर शांत हो जाएगा, है ना? जा जा पिला पिला। खाली हो गया है, जा लेकर। ठीक है लाता हूं, आइए। मालू जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? नहीं गुरुजी, जो भी अंदर गया है ना, हाँ शायद वही मालू है। कल रात में क्या समझाया कि नंदू के सर पे न्याय का भूत सवार हो गया और अब तक ये भी पता नहीं कि शिशुपाल ने उसके साथ क्या किया होगा। हितेश काका
न्याय कोई भूत नहीं है कि किसी पर सवार हो जाए, बल्कि न्याय हर एक का हक है और नंदू काका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आप उनके न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो कम से कम उन्होंने आवाज उठाई है तो उसका मजाक तो मत बनाइए। अरे जिसने न्याय की मांग की वही गायब हो गया, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। अरे हक के मांग करत करत जैसे गायब हो जाए से तो अच्छा है कि बिना हक के ही जी लें। मैं आप लोगों से बहस नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इतना विश्वास तो कीजिए मुझ पर कि मैं नंदू काका को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो सब अपने अपने घर चलो। चलो एक चौखू फिर से इतना काहे पी लिए? अरे जब तुमको पता नहीं गिरते पड़ते रहते तो काहे पीते हो इतना? अरे हट ओके हट दो 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 रात बोलिया हट बोलिया। तो आजकल बहुत सवाल करने लगी हमसे। अरे पति है तुम रे हम तब प्रेम से बात किया कर, समझे कि नहीं समझे? प्रेम से खाना पीना खिलाए के अब पैर दबा के सुनाया कर हमका। जोखू काका आप अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, ये सही नहीं है। कहा सही नहीं है? हमारी बीवी है वो, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे उसके साथ। अब इन घुमाए के थप्पड़ भी मारेंगे, क्या कर लोगे तुम? बोलने से कुछ नहीं होता है जोगू, दुनिया सबूत मांगती है। और सबूत है मार अपनी पत्नी को खींच के थप्पड़, ये देखते ये भीम क्या कर लेता है। जोखू काका पुलिया काकी पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिए। अब इन्हें मारेंगे तुम्हारे की थप्पड़, देखा थे तुम क्या करो तो। ऐसे दारू पीकर घरेलू हिंसा करने वाले लोगों की जगह हमारे घर परिवार और समाज में नहीं है, और इन्हें दूर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरे अकेले के जिम्मेदारी उठाने से कुछ नहीं होगा, एक आदमी भी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई। अब आगे क्या करना है आप लोग देख लीजिए। खुलिया कब से चुपचाप देख रही हो, लेकिन अभी कह रही हो पति है ना तुम्हारा, अब इसे ऐसे ही रखना है या घर में लेके जाना है, फैसला तुम्हारा होगा। हम दोनों जोगू को उठा भीतर हम तभी जावे जब खुलिया आए के हमसे माफी मांगेगी और हमका खुद घर के भीतर लेके जाएगी। सही है, सही। काके आप अभी मत जाइए, अभी नशे में, अगर आप अभी जाएंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। हाँ काकी छोड़ दीजिए उन्हें। जलादन ये पति पत्नी के बीच का मामला है, ये लोग आपस में सरत लेंगे। चलो घर चलते। योगो हमारा भाई। हाँ है, अभी घर चलो, घर चलो। लक्ष्मी रमा तुम दोनों भी अंदर जाओ, ये क्या करेंगे ये इनका फैसला है। खबरदार झोंको, अगर पुलिया पर हाथ उठाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदू बाबू अब गए नहीं? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, ऐसे कैसे छोड़कर चला जाता तुमको? एक बार तुम्हें खुद से दूर करने की बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं,
और वो गलती अब दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पर भीम कहाँ है? भीम को जाना पड़ा, लेकिन वो वापस जरूर आएगा। भीमराव जरूर आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। लेकिन वो यहाँ क्यों आएगा? उसके यहाँ आने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पता नहीं है, उसने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि हम सब तुम तक पहुंच सके। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। मान लो कहीं नहीं जाना है मुझे, यही ठीक हूं, कहीं नहीं जाना है। मान लो ऐसा मत कहो। सुनो रे, चलो आ रहा सब, चलो चलो चलो। अरे ये गोपी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुला के ला उसे। हाँ बुला के ला। रंदो ना डर मत, कुछ नहीं करूंगा, बस ए गोपी शांति से खड़ा रहे। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो, आज काम बहुत ज्यादा है इसलिए इसे पियो और काम पे लग जाओ। ताकत मिलेगी इससे। अरे चलो मारो जी, शुरू हो जाओ। मिला गोपी को ले। नंदू को पिला। चल 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 नंदू। चलो अब तुम तीनों काम पे लग जाओ। तीनों को बोरियों में डाल दो। चलो सोचो मत, चलो। सोचा था इन तीनों को बंबई से बाहर भेजूंगा, पर अब नहीं, अब इन तीनों को यहीं जलाकर मारेंगे हम। हाँ जा, मिट्टी का तेल लेके आ। जा 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 बेटा, जल्दी कर बेटा। मालू, नंदू काका, नंदू काका,
मालूम नंदो नंदू काका आ बेटा माचिस दे क्या हुआ बेटा रुक क्यों गए बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तीनों वही है अभी तो हम देख के आए कोई नहीं है वहाँ दरोगा साहब मुझे पता है लेकिन एक बार चल के देखिए ना एक बार विश्वास कीजिए ना मुझ पर आइए ना मेरे साथ आइए गुरुजी भीमराव को बड़ी चिंता रहती है ना अपने जात के लोगों की आज उसकी जात के ये तीन लोग यहीं जिंदा चलकर मरेंगे सारी जिंदगी याद रखेगा भीमराव इस दर्द को जल्दी चलो चल 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 भागो 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 बाबा यही होंगे नंदू मालू गोपी ये मालू भीम बेटा ये तीनों जिंदा हम इन्हें चाल ले चलते हैं हाँ पापा दरोगा साहब इन्हें चाल ले चलने में हमारी मदद कीजिए जल्दी क्या हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते मतलब आप पुलिस प्रशासन हो आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो इन तीनों को उठाकर ले जाने के लिए आस पड़ोस से चारपाई लानी होगी और इन लोगों को उठाकर उस पे रखना होगा और हम ऊंची जात के लोग छोटी जात के लोगों को छू भी नहीं सकते दरोगा साहब ये कोई और कहता तो मैं समझ सकता था आप पुलिस प्रशासन में होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं हम ऐसी बात कर सकते हैं भीमराव क्योंकि इन तीनों की मदद करके हम यहाँ का माहौल खराब नहीं कर सकते शांति बनाने का काम भी प्रशासन का ही होता है लेकिन दरोगा जी इन तीनों का चाल पहुँचना अत्यंत आवश्यक है गुरुजी रहने दीजिए इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा लगता है इन तीनों को होश आ गया है मालू उठो रमा जल्द से जल्द इन्हें दवाई दे दो उठो उठो आहिस्ता 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 कहाँ आ गया हूं मैं अपनी चाल वापस आ गए हो मालू जी आप तीनों बेहोश थे तो हम आपको यहां ले आए मैंने कहा था भीमराव ही हमें बचा सकता है और भीमराव ने हमें बचा ली मालू ये लो दवा ले लो जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे लो पियो मुझे नहीं चाहिए दवाई मुझे नहीं रहना यार मुझे वापस जाना है मालू रुको कहीं नहीं जाओगे तुम ये तुम्हारा घर है तुम्हारे लोग हैं तुम्हारी चाल है ये मालू जी ये सब लोग तुम्हारे ही हैं
और तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन? नहीं, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मालू, मालू सुनो मेरी बात, देखो तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। चल आ जा मालू जी, मेरे साथ आ जा। मालू जी, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे क्या? अरे इतनी मुश्किल से हम तुम्हें छुड़ा करके यहाँ ले आए और तुम फिर इन्हीं लोगों के साथ जा रहे हो। मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। चलिए शिशुपाल जी, चलो। मालू जी, मालू जी, मालू रुक जा, मालू, मालू। काका रुक जाइए, काका संभालिए अपने आप को, आइए आइए। इससे अच्छा होता कि मेरा कोई भाई ही नहीं होता। काका कुछ भी मत बोलिए। कैसे ना कहूं भीम, इतने सालों बाद वो आया है, कितना इंतजार किया उसका हमने, और जाते जाते कह के क्या गया कि वो जानता ही नहीं है हम लोगों को। देखिए काका, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि मालू ने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ रहने लायक नहीं है। मालू भी तो इंसान ही है ना काका, उसे भी यहाँ अपने लोगों के बीच अपने चाल में आकर अच्छा ही लगा होगा, लेकिन फिर भी उसने शिशुपाल जी के साथ जाने का रास्ता क्यों चुना होगा? इसके कारण तक पहुंचना होगा हमें। हाँ नंदू काका, भीम सही कह रहा है, और उसका कारण भी पता चल जाएगा तभी हम मालू जी को ठीक से समझा पाएंगे। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि मालू जी की समस्या क्या है? चलता हूँ भीमरा, पहले भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, और एक बार फिर आज जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान देकर भी एहसान लौटाऊंगा मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं था। देखिए अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान था, तो बस एक ही काम कीजिए, आप भी किसी जरूरतमंद को जीवन के सही मायने सिखाइए, उसका जीवन एक सही रास्ते की तरफ जाए ये कोशिश कीजिए, बस फिर ये सारा एहसान चुकता हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। जी धन्यवाद गुरु जी। चलिए राम जी, चलता हूं। मगर भीम, मैं दोबारा मालू जी को अपने से दूर नहीं करना चाहता। काका मैं भी मेरे दोस्त को खुद से दूर नहीं करना चाहता, अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द मालू को वापस लेकर आऊंगा। हाँ ये तो होना ही था, लोग जो चाहे लेकिन उनके खिलाफ जाकर ये खुद की चलाए गए। अब वो मालू जी क्या कह के गया था कि उसे यहाँ नहीं आना है, फिर भी ये जाएगा, उसे लेकर आएगा और नया नाटक शुरू करेगा। चल बेटा। हाँ बाबा चलिए। बाबा मैं भी चलता हूँ। पर आपकी तबीयत? लक्ष्मी कुछ नहीं होगा। रमा तुम मिर्ची का ठेसा और भाकरी बना कर रखो, मालू को बहुत पसंद है, हम उसे लेकर आएंगे तो उसे भूख लगी होगी, वो खा लेगा। चलिए भैया। बाबा
आई, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपकी बहुत याद आ रही है। भाई की याद आ रही है। मैं हूं ना, आगे से आई की याद आएगी ना तो मेरे पास आ जाना, थोड़ी कम याद आएगी। भीम शांत हो जाओ, मैं हूं। जब तुम नहीं थे मालू और जब मुझे रोना आता था तब मैं हमारी चाल के बाहर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोता था जहां हम अक्सर बैठा करते थे। तुम कभी बिना हरी मिर्च के खाना नहीं खाते थे और मैंने खाने में कभी हरी मिर्च नहीं खाई, लेकिन जब से तुम छोड़कर गए हो मैं रोज खाने के साथ एक हरी मिर्च खाता हूं। बहुत तीखी लगती है लेकिन फिर भी खाता हूं, लेकिन अब बस हो गया, आज से नहीं खाऊंगा। आज से तुम्हारे हिस्से की हरी मिर्च तुम खाओगे, बख्श दो मुझे। अब चलो मेरे साथ। भीम, तुम्हें उसी मित्रता की कसम है, मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। रमा ने बताया तुमने खाना फेंक दिया, ठीक है अब ये खाना खा लो। मैंने हजार बार बोला है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं ये सब फेंक दूंगा फिर से। फेंक दोगे? हाँ लो फेंक दो, लेकिन ये जरूर सोचना कि इसी रोटी के लिए तुम पैसे कमाना चाहते थे। यही रोटी यही सब्जी एक दिन तुम्हारे घर पर नहीं थी तो नंदू काका से झगड़ कर तुम यहाँ से भाग गए थे। आपके फूल बेचने से हम दोनों भाई ढंग से खा भी नहीं पाते हैं। मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम भूख लगने पर खाना तो मिलेगा। ये सब सोचो और फेंक दो। दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ कि वापस ये भीमराव कभी खाना खिलाने नहीं आएगा तुम्हें। फेंक दो खाना। हाँ मैं फेंक दूंगा ताकि तुम दोबारा मत आओ खाना खिलाने। फेंक दो। मैं सही में फेंक दूंगा। फेंक दो। नहीं फेंक पाओगे तुम, फेंकना होता तो कब का फेंक दिया होता। और इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप खा लो ये खाना। लो। आपके और इनके दोस्ती के किस्से सुनाए हैं इन्होंने मुझे। ये कहते हैं कि दुनिया में आप एक ही है जिनके साथ ये पूरे जीवन भर रहना चाहते हैं।
नालायक, मन तो कर रहा है ना कि जान से मार दूं तुझे। तुम्हारे समाज ने पगड़ी पहनाई है मुझे कि मैं उस भीम राव और उसकी जात से बदला ले सकूं, और तू ये डॉक्टर की पर्ची दिखा रहा मुझे। सही कह रहे हैं बाबा आप, अगर हमने उस भीम और उसकी जात के लोगों को कुछ बड़ी हानि नहीं पहुंचाई ना, तो हमारे जात वाले हम पर हंसेंगे। मेघवाल, खाना निकाल, खाना निकाल। जी जी बाबा। क्या करूं मैं, लेकिन रमा का शुक्र मना और बिना बहस किए ये थाली उठाओ और शोभा को साफ करके दे आओ। आज तुमने शोभा का सर फोड़ दिया, उसके बदले वो थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाए या ना लिखवाए वो शोभा जाने, लेकिन आज तुमने शोभा के साथ, मीरा के साथ जो बदतमीजी की है उसके बदले ये थाली उन्हें धोकर देनी पड़ेगी। जानती हूँ मैं कि मुझे हारते हुए देखना सबको पसंद है, बहुत खुशी मिलती है ना सबको, लेकिन आज मैं नहीं हारूंगी। तो आज तुम अपने पति को हारोगी। अगर आज तुमने मेरा कहना नहीं माना तो अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। बाकी तुम देख लो। रमा ने बताया तुमने खाना फेंक दिया, ठीक है अब ये खाना खा लो। मैंने हजार बार बोला है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं ये सब फेंक दूंगा फिर से। फेंक दोगे? हाँ लो फेंक दो, लेकिन ये जरूर सोचना कि इसी रोटी के लिए तुम पैसे कमाना चाहते थे। यही रोटी यही सब्जी एक दिन तुम्हारे घर पर नहीं थी तो नंदू काका से झगड़ कर तुम यहाँ से भाग गए थे। आपके फूल बेचने से हम दोनों भाई ढंग से खा भी नहीं पाते। मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम भूख लगने पर खाना तो मिलेगा। ये सब सोचो और फेंक दो। दोस्ती की कसम खाकर कहता हूँ कि वापस ये भीमराव कभी खाना खिलाने नहीं आएगा तुम्हें। फेंक दो खाना। हाँ मैं फेंक दूंगा ताकि तुम दोबारा मत आओ खाना खिलाने। फेंक दो। मैं सही में फेंक दूंगा। फेंक दो। नहीं फेंक पाओगे तुम, फेंकना होता तो कब का फेंक दिया होता। और इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप खा लो ये खाना। लो। आपके और इनके दोस्ती के किस्से सुनाए हैं इन्होंने मुझे। ये कहते हैं कि दुनिया में आप एक ही है जिनके साथ ये पूरे जीवन भर रहना चाहते हैं।
नालायक, मन तो कर रहा ना कि जान से मार दूं तुझे। तुम्हारे समाज ने पगड़ी पहनाई है मुझे कि मैं उस भीम राव और उसकी जात से बदला ले सकूं, और तू ये डॉक्टर की पर्ची दिखा रहा मुझे। सही कह रहे हैं बाबा आप, अगर हमने उस भीम और उसकी जात के लोगों को कुछ बड़ी हानि नहीं पहुंचाई ना, तो हमारे जात वाले हम पर हंसेंगे। मेघवाल, खाना निकाल, खाना निकाल। जी जी बाबा। क्या करूं मैं? लेकिन रमा का शुक्र मना और बिना बहस किए ये थाली उठाओ और शोभा को साफ करके दिया। आज तुमने शोभा का सर फोड़ दिया, उसके बदले वो थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाए या ना लिखवाए वो शोभा जाने, लेकिन आज तुमने शोभा के साथ, मीरा के साथ जो बदतमीजी की है उसके बदले ये थाली उन्हें धोकर देनी पड़ेगी। जानती हूँ मैं कि मुझे हारते हुए देखना सबको पसंद है, बहुत खुशी मिलती है ना सबको, लेकिन आज मैं नहीं हारूंगी। तो आज तुम अपने पति को हारोगी। अगर आज तुमने मेरा कहना नहीं माना तो अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। बाकी तुम देख लो। सही पहचाना भीमराव, पहली बार सही संज्ञा दी है तुमने अपने आप के लिए। अंत में तुम्हारी पहचान यही होने वाली है, लोग यही कहेंगे था कोई भीमराव जो लोगों को समझाते 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 एक दिन खुद अतोत्साहित हो गया। इसलिए बंद करो ये समझाना, ज्ञान बांटना। अगर तुम्हें जीवन का कुछ अधिक ही ज्ञान हो गया हो तो अपने बारे में सोचो ना। पढ़ते हो ना तुम? सुना है छात्रवृत्ति मिली है, अच्छा है, पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ के बड़े आदमी बन जाओ और यहां से कहीं बहुत दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई पहचान ही ना पाए कि तुम्हारी असली जात कौन सी है। मेघनाथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे राय देने के लिए नहीं बल्कि यहां से भगाने के लिए आए हैं। चेतावनी दे रहा हूं भीमराव, दुश्मन पर वार करने से पहले उसे आजमाया जाता है। अब तक आजमा रहा था मैं तुम्हें, अब सोचा वार करने से पहले एक बार चेतावनी दे के देख लूं। दे दी आपने चेतावनी तो फिर एक बात अच्छे से सुन लीजिए, मैं अपने जात के अपने समाज के लोगों से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए उन लोगों से अलग कहीं दूर जाकर मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता बल्कि उन लोगों में रहकर उन लोगों के साथ बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। इसलिए ये भीमराव भागेगा तो हरगिज नहीं, फिर अंजाम चाहे जो हो। मतलब तुम्हें हमारे बीच की ये लड़ाई जारी रखनी है? नहीं, हम तो लड़ाई करना ही नहीं चाहते बल्कि हम तो सहयोग की अपेक्षा करते हैं आपसे, बड़ा बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मुझे तुम्हें जितना आगाह करना था जितना समझाना था मैंने समझा दिया, चलता हूं। मेघनाथ जी, बस जाने से पहले एक बात सुनकर जाइए,
अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये भीमराव रुक जाएगा, थक जाएगा या हार जाएगा, और ना तो उन पर इस्त्री करते, बस बाकी सारे कपड़ों के साथ लपेट कर लेकर जाते और ले आते हैं। झूठ! ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हम ना कपड़ा धोवे का काम बंद कर दिए और हमारी बीबी फुलिया अब ऊ ठहरी औरत जात, तो कितना काम होएगा उसे भला। तो भवा ई है कि ऊ ई दुइनों का काम पे रख ली है। अब ई दुइनों ही बाहर से कपड़ा लेके आवत हैं, होवत हैं, ओमा इस्त्री करत हैं और बाहर सबका ई बतावत हैं कि ई सब फुलिया करत है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे। झूठ बोल रहे? अरे ये झूठ क्यों बोलेगा? और अगर ये झूठ बोलेगा तो घाटा इसी को होगा ना। अब अगर इसकी पत्नी फुलिया दो पैसे कमाएगी तो मुनाफा किसको होगा? इसी को होगा ना। क्योंकि ये ईमानदार है, आप लोगों के साथ इतने दिनों का संबंध है, इसलिए ये सच कह रहा है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप अपने कपड़े इन लोगों से धुलवाएंगे या फिर कोई दूसरा कपड़ा साफ करने वाला ढूंढ लेंगे। देखिए, इन लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए, इनकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते इसलिए ऐसा कह रहे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप हम पर विश्वास कीजिए। आप इन दोनों पर विश्वास करेंगे? अरे भीम के भाई हैं, छल कपट तो होगा ही। सही कह रहे हो, अभी चलकर फुलिया की दुकान ही तोड़ देते हैं, ना दुकान रहेगी ना ये दोनों घूम घूम कर कपड़े इकट्ठे करेंगे और ना हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। यही ठीक रहेगा। भाभी, आप अंदर जाओ, कोई कपड़ा नहीं देना इनको। चलो। देखिए, गलत है, समझ लीजिए। हट! अरे रुकिए, आपसे झूठ बोला गया है। हाँ, झूठ बोला गया है तो दुकान हम बनाओ और मजा तुम दोनों लुटबाओ। नहीं, ई दुइनो जाए के हुआ दुकान का तोड़ डलिया और कौनो कुछ न कर पाएगा। और तुम्हारा भाई न्याय न्याय करता रहता है ना। फुलिया, हम तो का कितने अच्छे से समझाए रहे कि हमारी बात मान ले और ये कपड़ा वपड़ा की दुकान बंद कही थे, लेकिन तैयार है नहीं भाई। अब देख, दुकान खत्म हो गई ना। एक बात हमेशा भूल जाता हूं कि हम मर्द हैं और तुम औरत, और घर का मालिक मर्द होता है तो घर के फैसला भी मर्द के ही होते हैं। इसलिए हमको तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने पड़ा है। आपका अच्छा नहीं लागत है फुलिया तुमका तकलीफ में देख के, लेकिन क्या करें, तुमका तकलीफ होएगी, दर्द होएगा, तब है तुम समझो। अरे लो, पियो। मैं मर जाऊंगा, ला करके दो ना भीम। हाँ भीमराव, अब तो दया कर अपने दोस्त पर, आ जा मुझसे मांग ले शराब और दे दे अपने दोस्त मालू जी को। ये देख, मैं शराब लाया हूँ, आ जा। भीम, 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 तुम्हें दोस्ती की कसम है भीम, मान करके दो ना, दो घूंट पीऊंगा फिर सो जाऊंगा, लेकिन ला करके दो ना भीम। जो शराब न पिए वो क्यों जिए, मरता शराब पिए तो वो भी जी जी जाए। अरे वाह, तुम तो कविता भी करने लगे। अरे शराब चीज ही ऐसी। पियो, पियो, पियो।
आओ भीमराव। जाओ 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 भीम, जाओ जाओ जाओ, लेकर लेकर आओ, लेकर आओ भीम, लेकर आओ। और तुम सब याद करो, जब मैंने भीमराव से शर्त लगाई थी कि इसकी शिक्षा बढ़ी या हमारी शराब बढ़ी, मैं तो भीमराव के पास शिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेरे पास आएगा शराब लेने। अब वही खड़े होकर देखो, तुम्हारी शिक्षा का जवाब हमारे पास ये नशे का मटका है। ये अच्छा मुकाबला होगा कि तुम्हारी शिक्षा जीतती है या ये शराब। आजा भीमराव, आओ। जीते 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 जाने के लिए निकलो निकलो निकलो। रुक जा बेटा, शिक्षा को एक मटका दारू के सामने मत झुकने देना। आओ आओ। भीम, वैसे तो संस्कार कहते हैं कि अगर कोई खाना दे जाए तो थाली साफ करके लौटानी चाहिए, लेकिन आज घर में पानी नहीं है तो आप ऐसे ही लेकर जाइए। मेरी आई यहाँ सब्जी रोटी लेकर आई तो आपने उन्हें जूठी थाली देकर वापस भेज दिया। ये थाली तो जीजा बाई ही धोकर देगी। चाहे जो हो जाए, मैं ये थाली नहीं धोऊंगी। जीजा बाई मैं नहीं लेकर जाऊंगी, आप धोकर दोगे थाली। जीजा बाई ये थाली। आई खाना खा लीजिए। पता नहीं भैया ने खाना खाया होगा कि नहीं। क्या हुआ आई? शुभा, मैं भैया को खाना खिला कर आती हूँ। आई अब जाओगी तो फिर से झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो हो जाने दो, लेकिन जीजा भाई को सबक तो सिखाना होगा ना। हाँ, सच में जीजा भाई को सबक सिखाने की जरूरत है, मगर आप क्यों? मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। मेरे भैया के घर को नरक बना दे उससे पहले जीजा भाई पर अंकुश लगाना जरूरी है। तुम मेरी चिंता मत कर। उनके पसंद की सब्जी बनाई है, जानती हो? थोड़ा गुस्सा करेंगे, थोड़ा सुनाएंगे, लेकिन ठीक है, वैसे भी सुनती रहती हूँ, थोड़ा और सुन लूंगी। लेकिन इस घर के बाकी लोगों को एक एक करके ठीक वैसे ही घर से बाहर निकालूंगी जैसे दीदी को निकाला है। पति को तो घर से बाहर नहीं निकाल सकती, उन्हें तो समेट कर रख।